हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से जानने वाले हैं पोको X3 प्रो के बारे में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्ले लाइट और नो ग्राफिक्स। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आपके फ़ोन में लाइट नहीं आ रहा है तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले हमें ये VCC वोल्टेज वगैरह सब चेक कर लेने हैं। यहाँ से देख लीजिए आप, जैसे सप्लाई आ रहा है पीछे से भी आ रहा है, ये IC से लाइट के लिए सप्लाई और ये IC से भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो प्लस ये पूरी ट्राई के चेक कर लेनी है आपको, ये वाली पूरी, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कंपोनेंट कैपेसिटर भी चेक कर लेने हैं और ये पूरी ट्राई चेक कर लेनी। और ये जो मेन डायोड है अपना, डायोड ये वाला है मेन, और ये वाला कॉइल है एक मेन, दोनों ही कॉइल मेन दिख रहे हैं वैसे फ्रेंड्स। तो आप ये दोनों ही कॉइल चेंज कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये जो है डायोड भी चेंज कर लीजिएगा। और ये सप्लाई आप चेक कर लीजिएगा, आपका सप्लाई प्रॉपर ओके है कि नहीं है। अब आ जाते हैं हम डिस्प्ले ग्राफिक्स पे। तो डिस्प्ले ग्राफिक्स का ऐसा मसला है फ्रेंड्स, ये जाता है ज़्यादातर CPU में। जैसा आप देख पा रहे होंगे पूरे के पूरे सप्लाई हमारे जो है CPU में गए हुए हैं। तो CPU के आप ये सब ट्रैक है, आप यहाँ से आप वैल्यू चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर के थ्रू कि आपकी वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है CPU से कि नहीं आ रही है। कुछ कनेक्शन इसमें गए हुए पावर IC में, आप जैसा देख पा रहे होंगे ये कनेक्शन पावर IC में गए हुए, दो पावर में गए हुए। तो बस टॉपिक फ्रेंड आज का बस यही था। अगर आप, यदि आप चाहते हैं कि मैं और दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप WhatsApp मैसेज कीजिए या तो आप कॉल कीजिए। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब जल्द से जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय।